मेट्रो जनपद की आवाज। जालौन मेट्रो से मैरश्मी पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर जालौन से। नवजात शिशु की मौत के बाद परिजनों ने काटा बवाल। चिकित्सकों तथा मेडिकल स्टाफ के साथ की मारपीट। अस्पताल में भी की तोड़फोड़। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। हंगामा कर रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। अस्पताल में समुचित पुलिस बल तैनात किया गया। बोले मुख्य चिकित्सा अधिकारी कि मामले की होगी जांच, दोषियों पर कार्यवाही तय। जालौन जिले के उरई नगर क्षेत्र में स्थित जिला महिला अस्पताल का मामला। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं जालौन मेट्रो पर जालौन से, जहां नवजात शिशु की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। चिकित्सकों तथा मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट की गई है। अस्पताल में भी तोड़फोड़ की गई। फिलहाल पुलिस ने हंगामा कर रहे कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है और अस्पताल में समुचित पुलिस बल तैनात किया गया। आपको बता दें, जालौन जिले के उरई नगर क्षेत्र में स्थित जिला महिला अस्पताल का है ये मामला। जालौन से देवेश स्वर्णकार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? योगेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रामनगर। आप यहाँ महिला अस्पताल आए हैं, क्या समस्या? पूरी बात बताएं। समस्या ये है कि बच्ची कल से दूध नहीं पी रही थी ढंग से। हमने कल से लेके गए कि 3-4 बार लेके गए इसको कि दूध नहीं पी रही। बोला कुछ नहीं है इसको, ये ले जाओ। हमने कहा, बोला डॉक्टर साहब ये पीली पीली पड़ रही है, लेकिन डॉक्टर बोला कुछ नहीं है इसको ले जाओ। रात को अभी दूध पिया, दूध पिला रहे थे। अच्छा, उसने मूवमेंट नहीं किया। हम इसको लेके गए ऊपर। हमने बोला, मैं नर्स से बोला देखो इसको डॉक्टर को बुलाओ, कहाँ है ये मूवमेंट नहीं कर रही कुछ। तत्काल ले गए, बोले अंदर ले गए इसको, केबिन में ले गए। बोला कि डॉक्टर साहब देख रहे हैं। आधे घंटे बाद डॉक्टर हम गए, हमने कहा क्या हुआ, उसकी कंडीशन बता दो हमें। तो आधे घंटे तक डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर देखा, अंदर जाके देखा तो कोई डॉक्टर नहीं था। बच्ची अकेली लेटी थी बिस्तर पे, उसको लेटा कह रहे थे, उसको लगा उसको हम दिखा देख रहे डॉक्टर। डॉक्टर को पीछे से गेट से आया, डॉक्टर जब पीछे गेट से आया वो बाहर आके बोला ये कुछ नहीं है, इसमें जिंदा नहीं है। वो क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं डॉक्टर की लापरवाही से हुआ है। इसकी शिकायत आपने उच्च अधिकारियों से की? अभी नहीं, किए जा रहे थे वहीं से, वहीं करने जा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये जानते हैं डॉक्टर की लापरवाही आज तो हमारी है, कल के दिन किसी और की होगी तो क्या होगा। इसकी शिकायत आपने पुलिस में की? अभी पुलिस में नहीं की। अभी परिजनों ने अस्पताल में हंगामा काटा, किस तरीके का हंगामा था, क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या प्रक्रिया? एक प्रसूता थी जिसका ऑपरेशन हुआ था 2-3 दिन पहले, उसके बच्चे की मौत हुई है। तो उसके बाद जो है उसके परिजनों ने डॉक्टर्स के और स्टाफ के साथ SNCU में जो है मारपीट की घटना की है, शीशे वगैरह तोड़े हैं। और उसी की वजह से जो है डॉक्टरों में थोड़ा आक्रोश था कि इस तरह की घटना ना हो, तो उनको सबको समझा के काम पे वो करा दिया गया है। और जिन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ CO साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब आ गए हैं, तो उनको जो है सुसंगत कार्रवाई, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, FIR दर्ज कराई जाएगी और चिकित्सालय में जो है सुरक्षा व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे यहाँ की सेवाएं जो है सुचारू रूप से संचालित की जाए। सर, बच्चे की मौत हुई है, किसी की लापरवाही है या किसी? ये देखा जाएगा कि कोई वजह है ऐसी कि नहीं। प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है कि उसको दूध पिला दिया माँ ने उसकी, और ऐसे होता है लेटे लेटे दूध पिलाने से कभी कभी सांस की नली में दूध चला जाता है। क्योंकि शाम को जो अभी बताया है, शाम को जो है बच्चा ठीक था जो डॉक्टर ने बताया है, और अचानक कभी कभी सडन डेथ सिंड्रोम बच्चों में होती है, तो उसकी अब देखा जाएगा क्या वजह है। आवश्यकता होगी तो पोस्टमार्टम भी कराएंगे और उसकी वजह जानते हुए फिर अगर कोई लापरवाही होगी तो उसको भी देखा जाएगा। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।